पश्चिम सिंहभूम जिले के गुवा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने चार नक्सलियों को मार गिराया तो घटनास्थल से हथियार भी बरामद किया। तो वहीं नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की मुहिम भी लगातार जारी है। देखिए रिपोर्ट। और नक्सलियों में मुठभेड़। पश्चिम सिंहभूम जिले के गुहा थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। चायबाजा के गुहा में सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ में चार नक्सली ढेर। घटना स्थल से हथियार भी बरामद। लगातार सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर कसा नकेल। सुरक्षा बलों ने दो नक्सलियों को पकड़ने में भी पाई कामयाबी। मारे गए नक्सलियों में एक जोनल कमांडर, एक एरिया कमांडर और एक सब जोनल कमांडर के साथ एक महिला नक्सली भी शामिल। नक्सल मुक्त झारखंड बनाने के लिए सुरक्षा बलों की मुहिम रहेगी जारी। के माध्यम से निश्चित रूप से ये मैसेज देना चाहेंगे जो भी वहाँ पे माओवादी बचे हुए हैं कि वो अगर हिंसा का रास्ता छोड़ते हैं और अगर मुख्य धारा में शामिल होने होते हैं, उन्हीं का विचार रखते हैं, तो निश्चित रूप से झारखंड पुलिस उनका स्वागत करेगी। झारखंड सरकार को जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसके तहत वो आए, मुख्य धारा से जुड़े और विकास में अपना योगदान दे, ना कि हिंसा में। हमारे लिए आज ये बड़ा ऐतिहासिक और बहुत ही सक्सेस का दिन है, क्योंकि ये हमारे जो साथी जो शहीद हुए थे या जख्मी हुए थे या जो निर्दोष जो ग्रामीण मारे गए थे आईडी के चपेट में आए थे, उनके लिए निश्चित रूप से ये एक बड़ा ट्रिब्यूट है और बलों का हौसला बुलंद है और क्षेत्र में लगातार आगे।